गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरुदेव बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूलर्स एंड द बिल्डिंग्स, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जितने भी फेमस रूलर्स थे हमारी हिस्ट्री में, वो सब क्या करते थे, किसी न किसी फेमस मतलब मेमोरेबल इंसिडेंट से रिलेटेड क्या थे, कोई ना कोई मोनूमेंट्स, बिल्डिंग या कोई भी फेमस पैलेस क्या थे, कंस्ट्रक्ट करवाते थे, जो आज भी क्या है हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज में हम उन्हें स्टडी करते हैं। जैसे तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन में जिस टाइप की इंजीनियरिंग स्किल्स उस टाइम पे यूज़ होती थी हमने वो स्टडी कर ली थी, और किस टाइप से कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती थी इनके कंस्ट्रक्शंस में वो भी हमने स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट इज द कि बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉस एंड दी टैंक्स। अब हमें पता है कि फेमस पैलेसेस के अलावा वो क्या थे, कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी कंस्ट्रक्ट करवाते थे, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, कोई दरगाह, इन ये सब चीज़ें। ये किस लिए करवाते थे, मतलब कि वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ के कल्चर को फेमस बनाने के लिए, मतलब कि खुद के जो रूलिंग एरिया होते थे वहाँ पे जितने भी प्रीवेलिंग कल्चर्स होते थे, जितनी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती थी, जितने भी वो गॉड्स या पैटर्न्स को वो मानते थे, उनके बेसिस पे उनकी मेमोरी में वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो बिल्डिंग टेम्पल्स मस्क एंड द टैंक्स, टेम्पल्स एंड द मॉस्क वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वहाँ पर पूजा की जाती थी, इसीलिए उनको क्या थे, एक डिफरेंट आर्ट के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था। जैसे अगर हम आज भी देखें अजमेर में, जैसे एक दरगाह बहुत फेमस है, अदर राजस्थान साइड चले जाएँ, अगर साउथ साइड चले जाएँ, तो वहाँ की जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है और उस पर जिस टाइप की आर्किटेक्चरल वर्क है वो आज भी बहुत फेमस है अगर हम वहाँ विजिट करने जाते हैं। दे वर ऑल्सो मैन टू डेमोस्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड द डिवोशन ऑफ द पैटर्न। अभी किस लिए कंस्ट्रक्ट करवाए जाते, एक तो रूलर्स अपनी पावर को शो करने के लिए, क्यों, क्योंकि वो ये शो करना चाहते थे कि हमारे पास कितनी अच्छी वेल्थ है, कि वो कंस्ट्रक्शंस में उनको लगाते थे पैसा, और स्पेशली जिन देवताओं को वो पूजते थे उनकी मेमोरी में वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे। टेक द एग्जांपल ऑफ दी राजा राजेश्वरा टेम्पल, एंड इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वॉज बिल्ड बाय द राजा राजदेव इन द मेमोरी ऑफ द राजा राजेश्वरम। अब एक राजा राजदेव एक रूलर थे फेमस, जिन्होंने खुद के देवता, अब देवता का नाम था राजा राजेश्वरम, मतलब कि देखो कि रूलर का और देवता का नाम कितना मिलता जुलता, मतलब इससे पता लगता है कि लोगों में उस टाइप की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कैसी थी, मतलब लोगों में जो रिलीजियस वैल्यू थी अपने देवता को लेकर वो कितनी डीप थी, इंटेंस थी। द किंग टेक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस, ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक गॉड। वो देवता का नाम इसीलिए लेते थे, देवता के नाम पे खुद का नाम इसलिए रखते थे ताकि वो ये शो करना चाहते थे कि हमारे, मतलब कि हमारे गॉड से कितनी कनेक्टिविटी है। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग। अब बड़े बड़े जितने भी फेमस टेम्पल्स थे वो जो फेमस किंग्स थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे। उसके अलावा क्या थी, कुछ दरगाहस भी थी जो कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी मुस्लिम जितने भी रूलर्स थे। मुस्लिम सल्तनत एंड द पाशा डिड नॉट क्लेम टू बी द इनकार्नेशन ऑफ गॉड, बट बासियन क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शेडोज ऑफ गॉड। अब जो सुल्तान जिनको मुस्लिम में बोलते हैं उनको माना जाता था कि गॉड की शेडो, मतलब कि उनकी परछाई माना जाता था, उन्हीं का एक रूप माना जाता था। एंड इंस्क्रिप्शन इज द कुवात अल इस्लाम मोस्ट एक्सप्लेन दैट द गॉड चूज़ अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही एट द क्वालिटीज ऑफ द मोसेस एंड द सोलोमन। वो खुद कहते थे कि जो हमारा अल्लाह मीन्स हमारा जो गॉड है उसने अलाउद्दीन को एज अ किंग चूज़ किया है, क्योंकि वही सबसे मतलब जो मैनकाइंड है उसकी भलाई के लिए काम कर सकता है। उसके अलावा बेसिक पर्पज़ क्या था कंस्ट्रक्ट करवाने के पीछे इन बिल्डिंग्स की, कि मॉरल वैल्यूज़, जैसे कि हम कोई सरोवर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, हम कोई वाटर से रिलेटेड कोई फेमस पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्रा में ब्रह्म सरोवर है, किसी रिलीजियस प्लेस से रिलेटेड एक किसी टाइप का पॉन्ड या वाटर का रिसोर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाना, वो एक मॉरल वैल्यू होती थी, ताकि लोगों को कोई वहाँ से प्यासा ना जाए, उनको पानी अवेलेबल हो जाए, इस तरह से। तो जैसे कि हम फेमस देखते भी हैं कि हरमंदिर साहिब है जो मतलब कि गोल्डन टेंपल है, वहाँ के जो हम सरोवर बोलते हैं वो उस टाइम के फेमस किसी किंग ने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया हुआ है। इट वॉज़ वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ जस्ट अ किंग वुड बी एन एज ऑफ द प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदाउट रेन। उसके बाद क्या था, एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाई कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड द रिजर्वियर्स वर हाईली प्रेस्ड। सुल्तान इल्तुतमिश वन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वियर
दिल्ली एक कुन्हा, इट वॉज कॉल्ड दी हज़े सुल्तान और द किंग्स रिजर्व ईयर। एक क्या था, सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने दिल्ली में एक क्या था पोंड, मतलब एक सरोवर कंस्ट्रक्ट करवाया था ताकि वहाँ पर सबको पानी अवेलेबल हो जाए, इसलिए जिसको हम बोलते हैं किंग्स का रिजर्व भी बोलते हैं। सो और एक अदर एग्जांपल जो अभी मैंने बताया है कि एक जो गोल्डन टेंपल है जहाँ पे एक सरोवर है, तो मतलब बेसिकली पर्पस क्या होता था, मोरल वैल्यूज़ होती थी, कल्चरल वैल्यूज़ होती थी और रिलीजियस वैल्यू होती थी जो भी रिलीजियस प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट करवाने के पीछे थी।